और अब बात यूपी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के विवादित बयान की। अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर लटके झटके वाला जो बयान दिया था उस पर सियासत नहीं थम रही। महिला आयोग ने भी उनके इस बयान का संज्ञान लिया है, जबकि भाजपा नेता की तरफ से मुकदमा भी दर्ज हुआ है। लेकिन अजय राय अभी भी अपनी बात पर टिके हैं, वो माफी मांगने को तैयार नहीं। अजय राय को नहीं लगता कि उनके बयान किसी को चुभने वाले हैं। हालांकि जिस शब्दों का लेकर विवाद हुआ उन शब्दों को लेकर अजय राय नरम जरूर दिखाई दे रहे हैं। हम तो खड़े हैं, हम जो बात बोले उस पे कायम है। जो सरकार को कार्रवाई करनी है मेरे खिलाफ, मुझे जेल भेजना हो, मुझे कोई मेरे खिलाफ जो भी उनके पास कड़ी से कड़ी कार्रवाई, क्योंकि मैं जो बात बोला हूँ सही बोला हूँ। अजय राय का संदेश साफ है कि उनकी नजर में 19 दिसंबर को सोनभद्र में उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था उनमें कोई बुराई नहीं और वो अपने बयान से पीछे हटने वाले नहीं। पहले सुनिए 19 दिसंबर को अजय राय ने कहा क्या था। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं, वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। अजय राय को इस बयान में कोई गलती नजर नहीं आती। बाबा विश्वनाथ की धरती से अजय राय ने न सिर्फ स्मृति ईरानी पर दिए गए अपने बयान को सही ठहराया बल्कि इशारों इशारों में पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। हमें कोनो टेलीप्रॉम्प्टर से थोड़े बोले के हो, हमके टेलीप्रॉम्प्टर देख के नहीं बोले के हो। आपने अमेठी का काम लटका के रखा है, सड़कें नहीं बनवाई, लोगों को झटके लग रहे हैं, लगातार लोग प्रताड़ित हैं, इसलिए वहाँ की जनता की मांग पर मैंने ये बात बोला था। और जो कार्रवाई करनी हो पुलिस तो यहाँ भी लगी है, जहाँ भी इच्छा हो भाई उनके राज में रह रहे हैं वो कुछ भी मेरे साथ करा। अजय राय का ये बयान उस वक्त आया है जबकि स्मृति ईरानी पर की गई टिप्पणी पर सोनभद्र में उन पर केस दर्ज हो चुका है और कहा जा रहा है कि सोनभद्र पुलिस कभी भी अजय राय से पूछताछ कर सकती है। साथ ही महिला आयोग अजय राय को नोटिस जारी कर चुका है जबकि भाजपा अजय राय को लेकर चौतरफा हमला कर रही है। देखिए, मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए। अजय राय जी को ये बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जिस शख्सियत के बारे में वो बोल रहे हैं एक मातृशक्ति है और जो एक सशक्त हस्ताक्षर मैं कह सकता हूँ कि महिला सशक्तिकरण के रूप में है, ऐसा बयान वास्तव में बहुत निंदनीय है। साफ है कि अजय राय के बयान से सियासत में विवादों का जो चैप्टर खुला है उसमें अभी और भी कई पैराग्राफ जोड़ने बाकी हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।